सो हे दोस्तों, वेलकम टू मासूम सोल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशंस के बारे में बात करने वाले हैं। ये टॉपिक क्लास 9, 10, 11 एंड 12 मतलब किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो देखते हैं हमारा नंबर 1 क्या है। ही एक्यूज्ड मी ऑफ थेफ्ट। मेरे साथ साथ आप भी आंसर को कमेंट में भी बता सकते हैं और अपने माइंड में भी इसको आंसर सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 2 है ही वॉज एस्टोनिश्ड डैश योर कंडक्ट। तो ही वॉज एस्टोनिश्ड एट योर कंडक्ट। नंबर 3 द शिप इज बाउंड डैश इंग्लैंड। तो ये होगा फॉर इंग्लैंड। याद रखें, फॉर अगर बाउंड के बाद में कोई डेस्टिनेशन होता है, जैसे इंग्लैंड कोई भी जगह होता है, जापान, इंडिया, तो उसमें फॉर बैठता है, राइट। और अगर बॉन्ड के साथ में कोई वर्ब होता है उसके पीछे, जैसे एनीथिंग इज बाउंड टू हैपन, तो उसमें टू बैठेगा। अगर वर्ब होता है तो टू बैठेगा, एंड अगर कोई डेस्टिनेशन होता है तो फॉर बैठेगा। नंबर 4 है दिस बुक कंसिस्ट्स डैश सेवरल चैप्टर्स। तो दिस बुक कंसिस्ट्स ऑफ सेवरल चैप्टर्स। नेक्स्ट नंबर 5, ये वाला आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे। नंबर 6 है आई हैव नो इन्फ्लुएंस अपॉन हिम। शी प्रिफर्स मिल्क टू टी। प्रिफर्स के साथ हमेशा टू। ही डाइड एक्सीडेंट है इसलिए इन। आई डू नॉट हैंकर आफ्टर रिचेस। हैंकर के साथ ऑलवेज आफ्टर। ड्रिंकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ही इज जेलस ऑफ माई फेम। हेल्थ इज एसेंशियल फॉर सक्सेस इन लाइफ। ही इज गुड डैश क्रिकेट। ही इज गुड एट क्रिकेट। The doctor is not dash home. The doctor is not at home. He lives dash the house near the school. He lives in the house near the school. I hope आप भी correct answers दे रहे हैं। Next है I started dash school very late this morning. I started, अगर आपने फॉर सोचा है तो बिल्कुल करेक्ट है। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दिस मॉर्निंग। नंबर 17 लेट अस टर्न डैश अदर थिंग्स नाउ। लेट अस टर्न टू अदर थिंग्स नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है यू मस्ट बी होम डैश 10 o'clock। तो ये होगा यू मस्ट बी होम बाय 10 o'clock। नेक्स्ट नंबर 19 द सिक वोमन हैज़ नो वन टू लुक डैश हार। बहुत ईजी है ये। द सिक वोमन हैज़ नो वन टू लुक आफ्टर हार, यानी कि सिक वोमन की देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो नो वन टू लुक आफ्टर हार। माई मदर वॉज बॉर्न डैश अगस्त 15, 1947। तो माई मदर वॉज बॉर्न इन अगस्त 15, 1947। सो दोस्तों, आपने इनमें से कितने क्वेश्चंस का जवाब करेक्ट दिया, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको इसी तरह के प्रीपोजिशन या ग्रामर के रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।